आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कस्टम्स इंटेलिजेंस का ऑयल स्मगलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। स्मगल शुदा ईरानी ऑयल के 35 टैंकर्स पकड़ लिए। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस हारिस अंसारी का कहना है कि स्मगल शुदा डीजल पेट्रोल की मालियत 90 करोड़ से ज़ायद है। मज़ीद तफ़सील जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल, बताइए गए ऑपरेशन के बारे। कस्टम इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं, लाहौर उसके गर्दोनवा के इलाकों में कार्रवाइयां की हैं और ऐसे तमाम ऑयल टैंकर्स जो स्मगल होकर जो है वो लाहौर और गर्दोनवा लाए गए थे वो जो है वो पकड़ लिए गए, जिनकी तादाद जो है वो 90 के करीब बताई जा रही है। इस वाले से कस्टम मुकाम का कहना यह है कि ये जो डीजल और पेट्रोल जो है जब्त किया गया, इसकी मार्केट 90 करोड़ रुपए है। ये स्मगल होकर जो है वो लाहौर और दीगर इलाकों में सप्लाई किया जाना था। जो डायरेक्टर की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर इजवान बशीर ने अपनी टीम के हमराह जो है ये कार्रवाइयां की हैं तकरीबन, और तमाम ऑयल टैंकर को जो है वो कब्जे में ले लिया। कस्टम मुकाम का कहना यह है कि तहकीकत की जा रही है कि ऑयल की स्मगलिंग में कौन कौन से लोग जो है वो मुलविस हैं, ताकि उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जी ठीक है राहिल अली, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए।